हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई चलते हैं बिहार दिनभर की ताजा और बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार के 18 जिलों में बारिश, बिजली का अलर्ट। बिहार में पिछले कुछ दिनों से मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव है, इसलिए अच्छी बारिश देखने को मिल रही है, जिसका फायदा सीधे किसानों को मिल रहा। मौसम विभाग ने बिहार के 18 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने बारिश के साथ वज्रपात की भी आशंका जताई है। इस दौरान तापमान में भी 3 से 4 डिग्री की गिरावट देखी जा रही है। पूसा के वैज्ञानिकों के मुताबिक बिहार में 18 सितंबर तक मौसम का मिजाज इसी तरह रहेगा। संभावित जिलों में रुक रुक कर अच्छी बारिश होगी। अगली खबर, गोवा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। गोवा में कांग्रेस के 11 में से 8 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बाद भागलपुर में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा भाजपा पर खूब बरसे, प्रधानमंत्री पर जांच की मांग कर दी। अजीत शर्मा ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा तोड़ने की रणनीति करती है। भाजपा ने एक नया प्रचलन शुरू किया है। इससे पहले किसी सरकार में दूसरे पार्टी के विधायकों को नहीं तोड़ा जाता था, लेकिन जब से भाजपा केंद्र में आई है या दूसरी पार्टी को तोड़कर खुद को मजबूत बनाने में लगी है। अगली खबर, 10 से 15 दिनों में सिंगापुर जाएंगे लालू। किडनी की गंभीर बीमारी से हैं पीड़ित। 16 सितंबर को पासपोर्ट रिलीज पर सुनवाई होगी। लालू प्रसाद किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और जल्द ही अपने इलाज के लिए सिंगापुर जा सकते हैं, और इसे लेकर पासपोर्ट रिलीज की अनुमति मांगी जा चुकी है सीबीआई की विशेष अदालत में। मामले को लेकर 16 सितंबर को सुनवाई होनी है। अगर सब ठीक रहा तो 20 सितंबर या उसके बाद की किसी तारीख को लालू प्रसाद सिंगापुर के लिए रवाना हो सकते हैं। अगली खबर, बेगूसराय गोलीकांड मामले के बाद अब बेगूसराय पहुंचे सुशील मोदी। सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला। एनएच पर सीरियल शूटिंग की घटना के बाद बेगूसराय पहुंचे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। सदर अस्पताल और निजी अस्पताल में घायलों से मुलाकात किया। इस दौरान सुशील कुमार मोदी ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि 75 साल में बिहार में आज तक ऐसी घटना नहीं घटी थी जहां बाइक सवार बदमाश पर खुलेआम 10 लोगों को गोली मार दे। सबसे आश्चर्य की बात है कि नीतीश कुमार अब इस घटना को जातीय रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। अगली खबर, बेतिया में एक बहू ने अपने ससुर पर रेप का आरोप लगाया। इसमें उसकी जेठानी ने भी ससुर का साथ दिया। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी शादी 2.5 महीने पहले हुई थी। पति पंजाब में नौकरी करता है। जेठानी ने प्रॉपर्टी हथियाने के लिए ससुर को रेप करने को उकसाया और उसने ससुर को मेरे कमरे में भेज दिया, लाइट बंद कर और बाहर पहरा देते रही। पीड़िता ने शिकारपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने बताया कि उसकी शादी करीब 2.5 महीने पहले हुई थी। शादी के 20-25 दिन बाद ही पति कमाने के लिए पंजाब चले गए, जिसका फायदा उठाकर करीब 1.5 महीने पहले आरोपी ससुर ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। अगली खबर, मोदी और अमित शाह के गढ़ में 2 दिन रहेंगे तेज प्रताप यादव। राज्यों के मंत्रियों के कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। पक्षियों को पिंजरे से मुक्त करने का अभियान चला रहे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव 2 दिनों के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गढ़ गुजरात जा रहे हैं। मंत्री बनने के बाद पहली बार वो बिहार से बाहर जा रहे। 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में देश भर के तमाम राज्यों के पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी भी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अगली खबर, बांका जिले के करीब 39,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वंचित रह जाएंगे। इन किसानों ने अपना KYC अब तक नहीं कराया है। इसके कारण योजना के पोर्टल पर अब तक इन किसानों की एंट्री नहीं की जा सकी है। जल्दी पोर्टल पर एंट्री के समय सीमा भी खत्म हो जाएंगे। दरअसल समय पर KYC नहीं कराने वाले इन किसानों पर लापरवाही भारी पड़ेगी। कृषि विभाग की ओर से KYC नहीं कराने वाले किसानों को कोई योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो KYC के लिए पहले ही कई बार समय सीमा बढ़ाया जा चुका है। अब समय सीमा बढ़ाने की उम्मीद बहुत कम है। अगली खबर, बांका में लंपी वायरस को लेकर पशुपालन विभाग हुआ अलर्ट। गांव-गांव जाकर चलंत वाहन से पशुपालकों को किया जा रहा जागरूक। पंचायतों में लगाए जा रहे शिविर। लंपी बीमारी को लेकर पशुपालन विभाग बांका में अलर्ट पर है। विभाग की ओर से इसको लेकर पशुपालकों को जागरूक किया जा रहा। चिकित्सकों का कहना है कि लंपी स्किन डिजीज है, जो कि एक वायरस जनित बीमारी है। इसके फैलने से पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। इसमें पशुओं को तेज बुखार हो जाता है और इससे पशु दूध देना कम कर देती है। ऐसे गंभीर बीमारियों को लेकर विभाग अलर्ट मोड पर है। जिला पशुपालन प्राधिकारी डॉक्टर राणा दिग्विजय सिंह ने बताया कि किसानों को जागरूक करने के लिए चौपाल के बाद चलंत वाहन से जागरूकता की शुरुआत की गई है। साथ ही जागरूकता सह चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया जा रहा। अगली खबर, बिहार में भी जल्द लागू होगा पुराने पेंशन योजना। पुराने पेंशन योजना को लेकर बिहार सरकार गंभीर। सरकारी कर्मियों के लिए खुशखबरी। आपको बता दें कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद न केवल युवाओं के लिए खुशखबरी है, वरना सरकार के वर्तमान कर्मियों के लिए भी अच्छी खबर है। राज्य सरकार इनके लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर गंभीर है। सूबे के शिक्षा मंत्री के बयान के बाद इस पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है।
ऐसा माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए जल्द ही कमेटी गठित की जा सकती है। युवाओं के साथ ही वर्तमान कर्मचारियों के हित की बात होगी अगर पुरानी पेंशन योजना लागू होती है। शिक्षा मंत्री ने कुछ दिनों पहले अपने बयान में कहा था कि समान काम के बदले समान वेतनमान की भी चिंता सरकार कर रही है। इसी तरह से पुरानी पेंशन योजना की भी वकालत की गई है और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए कमेटी गठन की जा सकती है। अगली खबर, मुजफ्फरपुर गोलीकांड पर राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने ताबड़तोड़ कई ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा। इसके साथ ही वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री पर मामले को जातीय रंग देने की कोशिश करने का आरोप लगाया। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आपको गंभीरता दिखानी चाहिए लेकिन आप फंस रहे थे। सुशील मोदी ने कहा कि एनएच के किनारे तो कहीं घनी बस्ती नहीं है, मिक्स पॉपुलेशन है, इसलिए यह कहना कि अपराधी जाति देखकर मार रहे थे सही नहीं है। अपराधी किसी को जाति देखकर नहीं मार रहे थे लेकिन आपने इसे जातिता से जोड़ दिया है। आपको मृतक के परिवार के प्रति संवेदना जतानी चाहिए थी लेकिन आपने इसे सामान्य घटना की तरह लिया, यह अत्यंत आपत्तिजनक है। वैसे भी यदि यह साजिश थी तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपकी पुलिस इतनी कमजोर है कि उसे साजिश का पता तक नहीं चल पाता है। अगली खबर, बेगूसराय में 11 लोगों को ताबड़तोड़ गोली मारने वाले संदिग्धों की तस्वीर सामने आई है। पुलिस ने इन पर 50,000 का इनाम रखा है। गोलीकांड के 3 दिन बीत जाने के बाद भी असली शूटर पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस महकमे में खलबली मची है। अब तक सफलता के नाम पर पुलिस 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस जांच में निकले कुछ सीसीटीवी फोटो में से जिले के कई प्रमुख क्रिमिनल को संदिग्ध मानकर तलाश कर रही है। पटना से फोरेंसिक टीम बेगूसराय पहुंची है। टीम वारदात की पहली जगह बछवाड़ा प्रखंड के गोधना में जाँच कर रही है। अगली खबर, पितृपक्ष मेले में 6 दिनों में 70 करोड़ के कारोबार। अब तक 3 लाख पिंडदान आ चुके हैं गया। इस बार 300 करोड़ रुपए की बिजनेस की उम्मीद है। गया में पितृपक्ष मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान बीते 6 दिनों में करीब 3 लाख पिंडदान गया पहुंच चुके हैं। ऐसे में यहां अब तक करीब 70 करोड़ का कारोबार हो चुका है। यह कहना है सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। उम्मीद यह भी की जा रही है कि अगर ऐसा ही रहा तो यह कारोबार 25 सितंबर तक 300 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। पितृपक्ष मेले में होटल से लेकर फूल व्यवसायी और पूजन सामग्रियों के दुकानदारों की चांदी है। बड़ी संख्या में पिंडदानियों का आने का सिलसिला हर दिन बना है। स्टेशन से लेकर विष्णुपद मंदिर और बोधगया तक पिंडदानी ही नजर आ रहे। जिला प्रशासन और विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति का कहना है कि बीते 6 दिनों में करीब 3 लाख पिंडदानी गया में कदम रख चुके हैं। अगली खबर, पटना के मोकामा में ग्रामीण आवास सहायक को निगरानी की टीम ने 15,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। मामला प्रकाश में आते ही पूरे प्रखंड एवं अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया। मोकामा के प्रखंड विकास प्राधिकारी ने इस मामले में खुद को पल्ला झाड़ते हुए बताया कि वह फिलहाल छुट्टी पर है, उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। अंचलाधिकारी ने बताया कि सूचना मिली है कि आप प्रखंड से इसकी पुष्टि कर लें। और बताया जा रहा है कि मोकामा प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित ग्रामीण आवास सहायक राजेश कुमार पदस्थापित है। काम कराने के एवज में उन्होंने एक व्यक्ति से 15,000 रुपये घूस मांगे। अगली खबर, पिछले कई वर्षों से बिहार संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग करते आ रहे हैं, जिसके लिए विगत वर्ष कमेटी गठित कर दी गई है, जिसके द्वारा बिहार राज्य सरकार में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले नियोजन कर्मियों की सेवा का विस्तार 60 वर्ष की आयु तक करने की सिफारिश की गई। मगर दोबारा से सत्ता में आई सरकार के भूमि राजस्व मंत्री ने सदन में बिहार संविदा कर्मचारी नियमितीकरण मामले पर यूटर्न ले लिया है, जिसके मुताबिक वो अब नियमित नहीं किए जाएंगे। आपको बता दें कि बेल्ट्रॉन के द्वारा बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि उनको बड़े चालाकी से और आर्टिफिशियल तरीके से बेल्ट्रॉन ने किसी थर्ड पार्टी का कर्मचारी दिखा दिया है। ऐसे में उनको पहले यह साबित करना होगा कि वो या तो सरकारी विभाग बेल्ट्रॉन के कर्मचारी हैं। अगर लेबर कोड के द्वारा इन दोनों में से किसी का भी कर्मचारी साबित किए जाते हैं तो दोनों हाथों में लट्टू है। वह इसलिए कि दोनों ही विभाग बिहार सरकार का सरकारी विभाग है, तब जाकर बेल्ट्रॉन के कर्मचारी और जो भी संविदा कर्मचारी हैं वो नियमित हो पाएंगे।